साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज प्रैक्टिकल फाइल है फूड प्रोसेसिंग यानी खाना और मिठाइयाँ। 358 इसका कोड नंबर है, ठीक है, 12वीं क्लास की है। तो कैसे बनाएंगे, उनवान देखिए। सबसे पहले उनवान डाल लेंगे, जैसे पानी, भाप, तेल वगैरह, खाना पकाना। दूसरा, खाने के अज्जा में मिलावट की जाँच, मसनूआत की शनाख्त, क्वालिटी एसोसिएशन, ठीक है। बेकिंग के लिए दिए गए चीज़ों का मुआयना, पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद के लिए पैकेटों का जायज़ा, चटनी को प्लास्टिक पैक अचार में सील करना, ठीक है भाई। तो तजुर्बा नंबर एक, आपको बनाना है कि पानी, भाप, तेल वगैरह में खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीक़ों का मुजाहरा करें। मकासद, खाने पकाने के मुख्तलिफ तरीक़ों समझने, मुख्तलिफ किस्म के खाना पकाने के लिए मुनासिब खाना और पकाने के तरीक़ों की शनाख्त करने के काबिल होना। शराइत, खाना पकाने की तकनीक और खाने की हिफाजत का बुनियादी हल। बावर्ची खाना और खाना पकाने के सामान जैसे चूल्हे, तंदूर, बर्तन। पहले पेज पे यह करने के बाद दूसरे पेज पर आपको मवाद, मतलूबा मवाद क्या क्या चाहिए। पानी में खाना पकाना, बर्तन, चूल्हा, भाप के सिलेंडर और बर्तन, तेल में पकाने के लिए और तेल का तरीका। पानी में खाना पकाना, एक बर्तन में पानी भरकर चूल्हे पर रख दें, पानी उबालो। मतलूबा चीज़ें, सब्जियां, पास्ता, चावल या अंडे शामिल। इस वक्त तक पकाए जाने वाले अज्जा पूरी तरह से ना आ जाए। भाप, एक बर्तन में पानी से भरा उस चूल्हे को रख दें। भाप में बर्तन, मछलियाँ, पकौड़ी जैसे सामान डालें। भाप के ढक्कन से ढकें और ज़रूरत के मुताबिक पका लें। जाएगा, पानी में खाना पकाने जैसे अज्जा को नरम और रसीला बनाता है, लेकिन जायका और गजाई अज्जा को कम कर सकता है। भाप से अज्जा की गजाई अशिया कुदरती जायका महफूज रहता है, लेकिन साफ खुश्क हो जाती है। इसके बाद तजर्बा नंबर टू है, मकसद है दही के खाने के अज्जा की मिलावट की जांच करना। मकसद है मिलावट का पता लगाने के मुख्तलिफ तरीक़ा इस्तेमाल करना, खाने की हिफाजत और खालिस होने की अहमियत समझने के लिए शराइत, सामान और मिलावट और उसकी पहचान, तकनीक की बुनियादें और बुनियादी तजर्बा गाह तजर्बा, ज़रूरी सामान और आलात। इसके बाद पाँचवा पेज है, मतलूबा मवाद क्या क्या है। काली मिर्च है, कॉफ़ी पाउडर है, चाय की पत्तियाँ, दाल है, हल्दी है, दूध है। तरीका अमल, काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें। मिक्सचर में हाइड्रोक्लोरीन की कुछ बूंदें मिलाएं। अगर घोल पैदा हो जाता है तो पानी के बीच में शामिल काफ़ी पाउडर, थोड़ी थोड़ी मिकदार में काफ़ी पाउडर और पानी वाले बेकर में डालें। मिक्सचर में प्रोटीन, पोटेशियम पर मैगनीन को घोल के कुछ बूंदें डालें। अगर घोल घोल गुलाबी हो जाए तो कांसी की मिलावट जाहिर करता है। एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल के लिए साफ शीशे के बर्तन का इस्तेमाल करें। हर एक खाने के अज्जा के लिए मुख्तलिफ बर्तन का इस्तेमाल करें। इसके बाद सातवां है काली मिर्च जायज़ा। अगर काली मिर्च में हाइड्रोक्लोरिक मिलाने से घोल पीला हो जाए तो पीसने के बीज को जाहिर करता है। तजुर्बा नंबर तीन है, मकसद दिए गए पैकेटों में दो मसनूआत की शनाख्त करें, जैसे क्वालिटी एसोसिएशन की निशान है। मकसद, मसनूआत पर क्वालिटी इंश्योरेंस मार्क्स की अहमियत के बारे में। क्वालिटी इंश्योरेंस मार्क्स वगैरह की निशानदेही करता है। मवाद की ज़रूरत, मुख्तलिफ मसनूआत पर मुश्तमिल पैकेटों का एक सेट, एक मैकेनिकल गिलास सिफत में इस्तेमाल होने वाले क्वालिटी इंश्योरेंस मार्क्स की फहरिस्त। इसके बाद तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ मसनूआत पर मुश्तमिल जमा करें और शुरू करें। मेयार को यकीनी दहानी करें। निशानदेही के लिए पैकेट को चेक करें। मैं मैग्नीफाइंग गिलास का इस्तेमाल करते हुए निशान को करीब से चेक करें ताकि लिफाफे जारी न किया जाए। एहतियाती तदाबीर इस बात का ध्यान रखेंगे, इस्तेमाल करने से पहले कांच साफ और खरोचें ना हो। पैकेट या निशान को नुकसान पहुंचाने से ये निशान को या बारीकी से जांच लें जाएगा। उसके बाद है, कुछ पैकेटों में कोई क्वालिटी इंश्योरेंस के निशानात हो सकते हैं जबकि दीगर में कोई निशानात नहीं होते। क्वालिटी इंश्योरेंस के कुछ निशानात खाली साख या मसनूआत के लिए मौजू खसूसियात हैं। तजुर्बा नंबर चार है, आपको ये लिखना है तजुर्बा नंबर चार में, उसके अंदर बताना है कि ब्रांड क्या है और मुआयना करना है। चॉकलेट मकासद क्या है, इसके मकासद बताने हैं सारे, इसके अंदर मकासद लिखे हुए हैं सब लिखने हैं। इसके बाद अगले पेज पे शराइतें, फूड पैकिंग के जवाबित और रहनुमा खतूत के बुनियादी तकसीम, जिन पैकेजों का जायज़ा ले रहे हैं उनसे वाकफियत की ज़रूरत है। ज़रूरी मवाद इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा लिख देंगे। जाँच की बोर्ड की एक चॉकलेट, तरीक़ाकार इसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा लिख दीजिएगा। इसके बाद ये यकीनी बनाने के लिए सही सोर्सिंग साइज़ क्लोफिन अज्जा
शामिल हैं। गजाइयत की मालूमात के लिए पेंसिल को चेक करें। एहतियाती तदाबीर इसके अंदर लिखें। जांच के दौरान पैकेजिंग को नुकसान न पहुंचने का ख्याल रखें। तशखीस करने से पहले मसनूआत का मेयार ख़त्म होने की तारीख चेक कर लें। जायज़ा पैकेजिंग पर दी गई मसनूआत का जायज़ा लें और नोट करें कि यह मुकम्मल दुरुस्त है या नहीं। तजुर्बा नंबर 5 है, मकसद पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद के लिए इन पैकिंग का जायज़ा लें। मकसद है पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद की कस्म व मैार का इस बात का तयन कर लें कि लवाजमत मवाद के मौजू में पैकिंग कर रहे हैं। शराइत पैकेजिंग और खदमात की खुशियाँ। इसके बाद है मवाद की ज़रूरत। मुख्तलिफ मसनूआत जैसे स्क्रीनिंग बोर्ड की पैकिंग और जाँच की जा रही मसनूआत का रिपोर्ट। तरीक़ाकार इस्तेमाल शुदा मवाद की शनाख्त करें और इसमें सारी बातें आप लिख देंगे। जायज़े में ये सारी बातें लिख देंगे जो इसके अंदर लिखे हैं। अगला पेज है तजुर्बा नंबर 6, मकसद चटनी का प्लास्टिक पैक अचार बोतल में पैक करना सील कर दें। इसके अंदर ये पूरी बात लिखेंगे। यकीनी बनाया और ताजगी बनाने के लिए इसे ख़राब होने से बचाने की सील किया जाता है। शराइत इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद ज़रूरी अशिया क्या क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं, लेबल देख सकते हैं, तरीक़ाकार देख सकते हैं और ये सारी बातें। इसके बाद एहतियाती तदाबीर हैं और ये सारी एहतियाती तदाबीर इसके अंदर लिख रहे हैं और ये सारा लिखा हुआ। ये हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो गया। फूड प्रोसेसिंग यानी कोई मतलब खाना और मिठाइयाँ 358 है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस एडमिशन या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो NIOS से रिलेटेड आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।